करते हैं, देखते हैं कि मेमोरी क्या है। तो निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखने की जो क्षमता होती है उसको मेमोरी कहते हैं। ओके, हिंदी में इसको कहते हैं स्मृति। जैसे आप लोग इंग्लिश में याद करिए क्योंकि ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में मेमोरी को भी हिंदी में लिख देते हैं, स्मृति लिख के मोस्टली नहीं लिखा जाता है। दो टाइप की होती है, सबको पता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये दो टाइप की है, लेकिन कुछ मेमोरी ऐसी भी है ना तो वो प्राइमरी में की काउंट होती है ना वो सेकेंडरी में काउंट होती है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्राइमरी का टाइप है ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, प्रोसेस। तो प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग का मतलब जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है, किसी डाटा को रीड कर रहा होता है, किसी डाटा को अपने हार्ड डिस्क से उठा रहा होता है, कहीं से भी जो प्रोसेसिंग का वर्क होता है वो काम करता है प्राइमरी मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये पूरी तरीके से स्टोर का काम करता है। स्टोर का मतलब कोई भी स्टोर, जैसे आपके घर में स्टोर होते हैं ना, तो क्या होता है आप खूब सारा सामान वहाँ रख देते हैं, तो वो स्टोर का काम है। वहाँ पर आपका डाटा सुरक्षित रख दिया गया है, वो किसी भी प्रोसेसिंग में काम नहीं आता है। अब प्रोसेसिंग में काम कैसे आता है, पहले देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। तो मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम प्रोसेसिंग के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी तो उसका नाम हिंदी में है ही, और मुख्य भी, यानी कि इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी क्यों कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एग्जांपल में कि होता क्या है। जब हम मान लीजिए आपको क्या करना है, आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, आपने क्या क्या एक डाटा उठाया और मूवी के जो आइकॉन है वीएलसी वाला, मोस्टली लोग वीएलसी चलाते हैं, तो वीएलसी के आइकॉन पे आपने टिक कर दिया और मूवी स्टार्ट हो गई। तो जो मूवी में चल रहा है जो भी, वो रैम के बेस पे चल रहा है। जैसे आपने देखा भी कि जो तीन प्रकार की होती है, तो रैम क्या करती है, उस चीज को चलाने के लिए एक एरिया बनाती है अपने आप में कि यहाँ पर एक मूवी चल रही है। ओके, तब तक आपको याद आया, नहीं मुझे एक ईमेल करनी थी, तो आपने मूवी पॉज कर दी, आपने अपना एक ईमेल खोला और मेल भेजने लगे, तो उसमें भी एक छोटा सा एरिया बन गया और वो भी रैम में प्रोसेस में आ गई। तब तक आपने देखा कि आपके पास एक मान लीजिए कोई फोटो था, आपको उसको क्रॉप करना था या कुछ भी, कोई फोटो पे आपको थोड़ा सा बड़ा छोटा करना है, तो फोटो में आपने छेड़खानी शुरू कर दी। तो इस तरीके से कई सारे एप्लीकेशन आपने खोल रखे हैं, तो वो जो खुले हुए एप्लीकेशन है वो एक प्रोसेस में चलते रहते हैं क्योंकि आपने बंद तो किया नहीं, तो जो वो चल रहा है प्रोसेस वो किसी ना किसी मेमोरी का जो है यूज कर रहा है, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखते हो यूट्यूब के, जो आप जैसे मेरा चैनल देख रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है गोल गोल घूमने लगता है, ये क्या है, ये है, इसको कहते हैं बफरिंग ना, आप कहते हैं बफरिंग बहुत हो रही। बफरिंग क्या चीज है, बफरिंग का मतलब होता है मेमोरी को कैलकुलेट करके आपको यूज करने के लिए देने के लिए। तो जब वो घूमता है तो वो मेमोरी यूज करने के लिए ढूंढता है, ऐसा है कि नहीं। तो होता क्या है, ये दोनों तरीके से होता है, या तो वो कंप्यूटर की मेमोरी को बफर कर रहा होता है, या तो इंटरनेट की जो डाटा सर्विस है उसको बफर कर रहा होता है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी जो होती है वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, हमेशा याद रखिएगा। तो रैम, रोम और कैशे मेमोरी जो है, इसकी मेन तीन मेमोरी है जिसको आज हमें समझना है, और उसके बाद हम सेकेंडरी देखेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, नाम सबको पता है, फुल फॉर्म सबको पता है। तो रैम जो है कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी मानी जाती है। अस्थाई का मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं आपको। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थाई रूप से स्टोर रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने पर या बिजली को चले जाने पर रैम क्या होता है, स्टोर में जो डाटा और रैम में जो डाटा होता है वो मिट जाता है, इसलिए रैम को वोलाटाइल यानी कि अस्थाई मेमोरी कहते हैं। तीन टाइप का होता है, डी रैम, एस डी रैम और एस रैम। तो टाइप समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि वोलाटाइल क्या होता है और अस्थाई का क्या मतलब हुआ। वोलाटाइल का मतलब, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने एक शब्द बीच में लाया था मैं कि वोलाटाइल क्या होता है। वोलाटाइल मतलब इरेजिबल, इरेजिबल मतलब जो मिट जाए। बिजली गई, आपका डाटा सब मिट गया। मान लीजिए आप
जैसे अभी फिर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मूवी देख रहे थे, लाइट चली गई और आपके लैपटॉप या उसमें कोई बैकअप नहीं है, एकदम से आपका कंप्यूटर वो बंद हो जाता है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे फिर से, बूट करेगा सब कुछ होगा, तो क्या आपकी मूवी वहीं पे चल रही होगी? नहीं, वहां पर जो रैम यूज हो रही थी, वो जो काम चल रहा था, वो क्या हुआ, वो पूरी तरीके से इरेज हो गया सब कुछ जो भी चल रहा था। ठीक, तो रैम एक प्रकार से इरेजिबल मेमोरी होती है, मतलब मिट जाने वाली, लाइट चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा रैम में से। फिर से जब आप प्रोसेस करेंगे तब रैम फिर से प्रोसेस करेगा। तो जो अस्थाई मेमोरी होती है उसको वोलाटाइल कहते हैं, और जो स्थाई होती है उसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं डी रैम, एस डी रैम और एस रैम होता क्या है। डी रैम में जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे ये बात बनते हैं कि कौन सी ऐसी रैम होती है जो तीन टाइप दी हुई है, जिसमें सबसे बेसिक रैम मानी जाती है, जो रैम के ही समकक्ष मानी जाती है। अगर हम लिखा हुआ रैम, तो रैम का मतलब है डी रैम, ठीक, क्योंकि वो कुछ तो हो गई। अगर हमने रैम कहा है तो या तो वो डी रैम होगी, या तो एस डी रैम होगी, या तो स्टैटिक रैम होगी। तो रैम को अगर हम नॉर्मली अपने दिमाग में ले तो वो डी रैम होगी, जो सब कंप्यूटर्स में मोस्टली लगी होती है। तो डी रैम में जो है सबसे अधिक साधारण डी रैम होती है, और इससे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कम हो जाती है। तो जो आपकी लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में जो भी रैम्स पड़ी होती है वो डायनामिक रैम होती है। तो होता क्या है, उसको रिफ्रेश होना पड़ता है बार बार। तो जो रैम रिफ्रेश नहीं होगी तो क्या होगा, वो डाटा कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप बहुत देर तक कुछ अगर रखेंगे तो हो सकता है वो डाटा थोड़ी देर बाद चला जाए। तो ये डायनेमिक रैम जो है उसको रिफ्रेश होना पड़ता है, वो आप करो या ना करो वो खुद को रिफ्रेश कर लेता है थोड़ी देर बाद। लेकिन इससे होता क्या है, स्पीड कम हो जाती है किसकी, रैम की। इसके बाद एस डी रैम आती है। एस डी रैम डी रैम का एक बड़ा भाई है। तो जो एस डी रैम है उसकी अपेक्षाकृत ज्यादा स्पीड होती है, किससे, डायनेमिक रैम से। तो इसकी तेज गति का कारण यह है कि सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होता है। तो जो सीपीयू की क्लॉक चलती है वो उसके हिसाब से रिफ्रेश करता है। तो क्वेश्चन बन गया, कौन सी रैम जो सीपीयू की क्लॉक होती है उसके हिसाब से रिफ्रेश होती है, तो वो है सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैम, यानी कि एस डी रैम। इसलिए ये डाटा को तेजी से स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर सकती है। स्टैटिक रैम सबसे तेज होती है। स्टैटिक रैम एक ऐसी रैम है जो सबसे कम रिफ्रेश होती है, इसको जरूरत नहीं होती है रिफ्रेश होने की, जो काम चल रहा है वो चल रहा है। और कम रिफ्रेश होने के कारण ये डाटा मेमोरी में अधिक समय तक बना रहता है, और डी रैम की अपेक्षा यह तेज भी है, जो डाटा टिका रहेगा तो ये महंगी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन टाइप होते हैं रैम के। थोड़ा सा और जान लीजिए कि जो आपकी एस डी रैम है, आजकल आपने देखा होगा कि कौन कौन सी तो आती है, एक DDR1, ठीक है, जब आप कभी खरीदने जाओगे तो एक आती है DDR2, इस तरीके से रैम आती है। तो उसका होता मतलब यह है कि डाटा रेट पर होता है। तो जो DDR1 है उसका है DD डबल डाटा रेट 1 और डबल डाटा रेट 2, तो मतलब 2 जो है वो ज्यादा स्पीड देगी और 1 थोड़ा सा डबल डाटा रेट कम स्पीड देगी। तो इस नाम से आती है जब हम रैम खरीदने जाते हैं। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म तो आपको याद ही होगी, इसमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थाई मेमोरी है, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, और कंप्यूटर निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है। वो कौन सी मेमोरी होती है जिसको कंप्यूटर निर्माण के समय ही सारा डाटा इसमें स्टोर हो जाता है, वो होती है रोम। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हिंदी हो जाएगी, आप लोग कहोगे कि सब कुछ बहुत शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं पे इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ, और कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में ही पढ़ना है इसको। तो कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी डाटा स्टोर रहता है, नष्ट नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल कहते हैं। अभी बात कर रहे थे ना वोलाटाइल की, तो मतलब अब ये लाइट चली जाएगी तो रोम में जो डाटा होगा वो स्टोर रहेगा। जैसे मान लीजिए क्या होता है, आपके यहाँ लाइट चली गई, आपने कंप्यूटर खोला, उसमें जो मान लीजिए आपका किसी भी कंपनी का छोड़ दीजिए लैपटॉप या मोबाइल पे आते हैं, मोबाइल थोड़ा आसानी से समझा जा सकता है। अगर आपका मान लीजिए मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो जब आप उसको खोलते हैं तो एंड्रॉयड का लोगो बन के आता है, या आपकी जो जिस भी कंपनी का मोबाइल है उसका लोगो बन के आता है। तो ये क्या है, ये रोम है। रोम में पूरी तरीके से उसका डाटा सेव रहता है।
जिसको हम BIOS भी कहते हैं, BIOS, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्या होता है, जब बूटिंग हो रही होती है तो बूटिंग के समय जो BIOS है वो बूट कराता है पूरे जो भी कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है, तो उसमें जो रोम में डाटा होता है ये वही बूटिंग वाला डाटा होता है। तो वो कभी नहीं जाता, ऐसा तो नहीं स्विच ऑफ किया सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, वो ऑन होगा तो कुछ चीजें आपकी वापस आ जाती है, बस जो रैम में होता है वो गायब हो जाता है। तो ये भी तीन प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ठीक, फुल फॉर्म याद रखिएगा तीनों की। मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे, जो रोम है ना इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो तीन टाइप के होते हैं, मैंने दो तीन बार पिछले जो नेट वाले एग्जाम है और जो भी एग्जाम है उसमें देखा है कि रोम पर ज्यादा उन्होंने फ्लक्चुएट होने की कोशिश की है कि रोम क्या है या रोम के टाइप क्या है। तो अभी मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कौन सा आ चुका है नेट में। तो पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, और एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार डाटा स्टोर होने के बाद इसको मिटाया नहीं जा सकता। आपके सामने ऑप्शन आएगा कि ऐसी कौन सी रोम है जिसमें डाटा मिटाया जा सकता है या नहीं मिटाया जा सकता है, ठीक। तो एकमात्र पी रोम एक ऐसी चीज है जिसका डाटा मिट ही नहीं सकता, बाकी जो दो रोम है इसका डाटा मिटाया जा सकता है, ठीक है। वैसे हम कहते क्या है कि रोम का डाटा मिट नहीं सकता, वो होती है सिर्फ पी रोम। जो ईपी रोम है इसका डाटा मिटाया जा सकता है लेकिन इतना आराम से नहीं मिटता है। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इरेजिबल, मतलब मिटाए जाने योग्य, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो प्रोम है इसको शॉर्टकट में प्रोम भी कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रोम पहले वाले को कहते हैं, इसको ई प्रोम कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोम की तरह ही होता है लेकिन इसमें जो डाटा स्टोर होता है उसको पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा मिटाया जाता है और नए प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक साल पहले जो नेट का पेपर आया था उसमें पूछा गया था कि अल्ट्रा वायलेट रेज से कौन सी रोम में जो डाटा है उसको मिटाया जा सकता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान दे दें, हो सकता है अगली बार भी पूछ लिया जाए, अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा ईपी रोम में डाटा इरेज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये नई तकनीक है, इसको ईई प्रोम भी कहते हैं, और जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से यानी कि इलेक्ट्रिकल मेथड से मिटाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ सकता है कि वो कौन सी रोम है जिससे इलेक्ट्रिकल इरेजिबल किया जाता है, तो वो ईईपी रोम है या ईपी रोम है या ओपी रोम है, ठीक है। जहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के बेस। अब आती है कैशे मेमोरी, जो तीसरे नंबर वाली थी। कैशे मेमोरी को समझ लीजिए कि ये मेमोरी बहुत ही तेज मानी जाती है और इस मेमोरी को फ्रिक्वेंटली यूज करने के लिए प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित किए जाते हैं ताकि सीपीयू तेजी से कार्य कर सके। अभी तक जो हम देख रहे थे वो भी प्रोसेसिंग वाली थी, लेकिन अगर हमें बहुत जल्दी और स्पीड वाला कंप्यूटर लेना होता है तो उसमें क्या होती है, कैशे मेमोरी लगी होती है जो सीपीयू से अटैच होती है, ठीक। अब होता क्या है कि जो रैम है और जो रोम है, तो रैम लैपटॉप तो छोड़ दीजिए, आजकल जो मोबाइल होते हैं ना उसमें भी 4GB की आती है और 8GB भी आने लगा है, अब तो बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल आ रहे हैं इसमें बड़े बड़े आपको रैम मिलेगी, ठीक। रोम जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, रोम क्या होगी आपकी, हो सकता है 512MB की हो, ठीक, इस तरीके से होती है। तो क्या होता है कि जितनी भी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है ना तो स्पीड बढ़ जाती है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जो रैम है रोम है इनकी कैपेसिटी ज्यादा है इसलिए उनकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो सीपीयू है, सॉरी सीपीयू नहीं, कैशे मेमोरी जो है वो सीपीयू से अटैच होती है और ये MB में होती है, KB में भी हो सकती है, MB में भी हो सकती है, KB मतलब किलोबाइट, MB मतलब मेगाबाइट। तो हो सकता है कि ये 512 KB की हो या 5MB की हो, इस तरीके से ये होती है और इसकी स्पीड अच्छी होती है। तो आप समझ सकते हैं जो लोग हल्के हैं वो अच्छी दूर तक दौड़ लगा सकते हैं, जो थोड़ा भारी है उनको दौड़ने में दिक्कत होगी, ठीक। तो कैशे मेमोरी सीपीयू से अटैच होती है और सबसे तेज मेमोरी होती है।
बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी है कि एक और मेमोरी है जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो ना तो मेन मेमोरी में काउंट होती है ना तो प्राइमरी मेमोरी में, उसको कहते हैं रजिस्टर्स। ये क्वेश्चन भी आ चुका है नेट में एक बार और पूछा गया था कि रजिस्टर कैसे मेमोरी रोम रैम में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, स्पीड वाली, स्पीड। ठीक, तो मैं आपको बता दूं सबसे तेज जो स्पीड होती है वो रजिस्टर की होती है। ये टोटली क्या होता है, सीपीयू से संबंधित होता है, ये सीपीयू से जुड़ी कोई मेमोरी नहीं है, ये सीपीयू का पार्ट है। अगर हम कहें तो ये सीपीयू का क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। चलिए पहले जान लेते हैं कि सीपीयू रजिस्टर को प्रोसेसर रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर में रजिस्टर डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई यही है और सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की ये अंदर होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी मेमोरी जो यूज होती है वो सीपीयू के यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है, तो वो होती है रजिस्टर। रजिस्टर को ना मेन कहते हैं ना प्राइमरी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये मेमोरी होती ही नहीं, ये खुद प्रोसेस में पार्ट लेता है। लेकिन जब हमको बहुत तेजी से कोई डाटा फेच करना होता है, सीक करना होता है, फाउंड करना होता है, तो क्या करते हैं, ये जो हमारा सीपीयू है ये अपने एक पार्ट को रजिस्टर के रूप में यूज करके वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन इसका जो कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होगी तो बिट में होती है। अब बिट क्या होता है, 0 या 1, बाइनरी नंबर दो होते हैं 0 या 1, तो मान लीजिए सिर्फ इतनी ही उसकी कैपेसिटी है बिट में, और बहुत ज्यादा हो भी गई तो मान लीजिए 10 से 12 15 इतने बिट की हो सकती है, मतलब ये बहुत ही हल्की होती है। तो ये फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर है। कभी भी क्वेश्चन आता है आप बीच के लगा दीजिएगा कि जो आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है वो रजिस्टर्स होती है, अगर रजिस्टर ऑप्शन में है तो, नहीं है तो क्या कहते हैं कि उसको कैशे मेमोरी को आप नंबर 1 पे लगाइएगा। ठीक, रजिस्टर है तो रजिस्टर लगाइएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं, और इसका काम होता है ये प्रोसेसिंग से अलग रहती है। इसका काम प्रोसेसिंग में नहीं, खाली स्टोरिंग करने का काम है, स्टोर में भरते चले जाओ और जब मन हो तब निकालते चले जाओ, प्रोसेसिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। और सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है और यह स्टोरेज के काम आती है, इसे स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा इसकी गति बहुत कम होती है क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी स्टोरेज क्षमता जो है प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है, और जरूरत पड़ने पर इसे अपग्रेड यानी कि घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। कौन कौन से टाइप होते हैं, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये सारे इसके टाइप हैं। बात करते हैं मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय टेप की, तो इसमें प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय परत, पदार्थ की परत चढ़ी होती थी और जिस पर डाटा स्टोर करने के लिए हेड का प्रयोग किया जाता था, या थी और था देख रहे हो ना, इसका मतलब हो गया कि अब ये यूज में नहीं है, पहले होता था अब इसका यूज नहीं होता है। और ये जो से आप अगर देखा हो आपने तो घरों में क्या होता था, कैसेट होती थी, वीडियो रील ऑडियो वाली जो कैसेट होती थी तो हम उसको सुनते थे, तो उनके लिए अलग टेप होते थे, ये एक हिसाब से रील पे बेस्ड होता है। तो इसमें कभी हम डाटा MB, GB या KB में नहीं देख सकते, इसमें हम डाटा देखेंगे कि कितने, मान लीजिए लंबी से रील है और इस रील में 1 इंच या 100 इंच या 10 इंच पर कितना करेक्टर आ सकता है। तो इसका कोई फिलहाल कोई मेजर नहीं है, आपको खाली इतना याद रखना है कि मैग्नेटिक टेप जो है ये चुंबकीय पदार्थ की परत इस पे चढ़ी होती है और इसमें एक जो है रील नुमा आकार होता है जिसपे डाटा सेव हो जाता है, अब ये प्रयोग में फिलहाल नहीं। फ्लॉपी डिस्क जो है बहुत पतले प्लास्टिक के गोल डिस्क होती थी जो एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहती थी और इस डिस्क पर एक चुंबकीय पदार्थ की परत भी चढ़ी होती थी। खास बात यह है कि जो फ्लॉपी डिस्क आप देख रहे हो ये एक प्लास्टिक का कवर है, असली फ्लॉपी इसके अंदर है गोल गोल, ठीक है, उस पे जो है चुंबकीय पदार्थ चला होता है। और जो एक क्वेश्चन आया है नेट में फ्लॉपी डिस्क से संबंधित कि जो फ्लॉपी डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी अभी तक थी वो कितनी थी, तो मैं बता दूं 2.88 MB यानी कि मेगाबाइट मैक्सिमम कैपेसिटी थी फ्लॉपी डिस्क अभी तक जितनी बनी,
और उसकी जो चौड़ाई लंबाई हो तो 3.5 इंच की थी। जैसे ये चीज आप देख रहे हो ना, ये 3.5 इंच का था। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी 2.88 MB पूछी जा चुकी है, आप लोग दिमाग में रख लीजिए अपने। बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको शॉर्टकट में HDD भी कहते हैं। इसको वैसे समझाने के लिए एक अलग वीडियो होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इससे आ जाती हैं। लेकिन फिलहाल अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस पे एक बिल्कुल डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा और आप लोग तब इसको देखिएगा। लेकिन फिलहाल जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो यह एक एल्युमिनियम धातु की डिस्क है जिसपे पदार्थ चढ़ा होता है, चुंबकीय पदार्थ, और यह डिस्क एक धुरी पर बहुत तेजी से घूमती है और इसकी गति को RPM में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हार्ड डिस्क को मेजर किस में करते हैं, RPM यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक चक्कर घूर्णन प्रति मिनट में मापा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव में ट्रैक और सेक्टर होते हैं, इसमें डाटा स्टोर होता है और एक सेक्टर में 512 बाइट का डाटा ही स्टोर हो सकता है। इम्पोर्टेंट थिंग है ये, ठीक है। आपको बता दूं एक छोटा सा यहाँ पे कि मान लीजिए जैसे ये डिस्क है गोल गोल ऊपर जिस तरीके से आपको दिख रही है यहाँ पे, तो ये गोल गोल जो डिस्क है इसके नीचे कई और डिस्क भी होती हैं, इसमें दिख रहा होगा आपको छोटी छोटी डिस्क लगी हुई है। तो एक हेडर होता है जिसके कारण हम इसको पढ़ पाते हैं, देख रहे हैं आप लोग इसके ऊपर एक हेडर बना हुआ है यहाँ पे। तो ये हेडर क्या होता है, जब इसको टच करता है तब जो डिस्क है उस पर हम उसके डाटा को पढ़ सकते हैं। लेकिन हमने एक बात अभी लिखी थी इसमें, देखी ये ट्रैक और सेक्टर में बटे होते हैं, तो ये जो इस तरीके से कुछ हम लोगों को दिखता नहीं है तो बने होते हैं इसमें। ये होते हैं ट्रैक, ये 1, 2, 3 इस तरीके से, और उसमें भी ये छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं, ठीक। तो ये एक जो है इसको मैंने पूरा गाढ़ा कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग, ये होता है सेक्टर, और एक सेक्टर में 512 बाइट की जो है जो मेमोरी है वो स्टोर हो सकती है। ये बहुत होते हैं, मतलब भर के होते हैं। तो ट्रैक और सेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ट्रैक और सेक्टर। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। डाटा स्टोर करने और पढ़ने के लिए 3 तरह के समय लगते हैं। पहला होता है सीक टाइम, डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय जो है वो सीक टाइम कहलाता है, ठीक है। रीड राइट मतलब जो हम लोग उसको पढ़ते हैं या उस पर कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उसको कहते हैं रीड या राइट करना। तो ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको सीक टाइम कहते हैं। लेटेंसी टाइप, ट्रैक में डाटा को के सेक्टर तक पहुंचने में लगे समय को लेटेंसी टाइम कहते हैं। अभी हम ट्रैक पर पहुंच रहे थे उसको सीक टाइम कहा, अब हम और अंदर जा रहे हैं तो क्या हो गया, हम सेक्टर पे पहुंच गए। सेक्टर पे पहुंचे, जैसे मान लीजिए ट्रैक क्या चीज है, ट्रैक कोई शहर है, मान लीजिए दिल्ली, और दिल्ली में हमें कहां जाना है, दिल्ली में जाने के लिए हमें जाना है साकेत। साकेत एक जगह है वहां पे, तो वहां पे साकेत अगर आप जा रहे हो तो साकेत को समझ लीजिए कि दिल्ली हो गया ट्रैक और साकेत हो गया आपका सेक्टर, सेक्टर 1, सेक्टर 2 इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, ट्रैक और सेक्टर में बट गए। और फिर क्या हुआ, तीसरा ट्रांसफर रेट, सेक्टर में डाटा को लिखने और पढ़ने में जो समय लगा, अब हम जो सेक्टर है उसमें जो हम किसी के घर जाना चाहते हैं तो उसको हम ढूंढ रहे हैं, तो वो हो गया ट्रांसफर रेट, ओके। तो सेक्टर के अंदर डाटा को लिखने और पढ़ने में जो समय लगता है उसको कहते हैं ट्रांसफर रेट। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक जानकारी आपको देनी थी हार्ड डिस्क के बारे में, कि जो पहली हार्ड डिस्क थी वो 1980 में बनाई गई थी और उसको बनाने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था IBM, आपको इस कंपनी का फुल फॉर्म पता होगा। और बता दूं अच्छा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं इसको। और जो कैपेसिटी थी, जो सबसे पहली हार्ड डिस्क बनी थी उसका कैपेसिटी थी 5 MB, आज की हार्ड डिस्क 1 TB तक आती है। अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि 1 TB क्या होता है। तो 5 MB तक इसकी कैपेसिटी थी, और खास बात तो ये है कि ये लगभग 250 kg की थी, यानी कि 250 किलोग्राम की थी,
मतलब एक 5 MB के हार्ड डिस्क को उठाने के लिए कम से कम 4 से 5 आदमियों की आवश्यकता थी, नहीं तो ये नहीं होता। तो आप अमेजिंग कर लीजिए कि कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ चुका है 1980 से 2019 के बीच, कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो तो है ही, जो 5 MB जो कि आपके मोबाइल में भी इससे ज़्यादा डाटा होता है और वजन तो आपके मोबाइल का आप समझ ही सकते हैं। बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल डिस्क में पॉलीकार्बोनेट की डिस्क होती है जिस पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप लगा रहता है और ऑप्टिकल डिस्क डेटा डिजिटली रूप में सुरक्षित रहता है। डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर रीड और राइट करने के लिए कम क्षमता वाले लेजर लाइट की जरूरत होती है। सीडी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है, ब्लूरे क्या होता है, तो सीडी के ही आकार का एक सारी डिजाइन है। सीडी की कैपेसिटी मोस्टली होती थी 700 MB के आसपास, डीवीडी की होती थी मोस्टली 3.7 GB के आसपास और ब्लूरे की जो कैपेसिटी होती है लगभग 5 से 6 या इससे भी ज्यादा हो सकती थी GB के आसपास। ठीक, तो ये ऑप्टिकल डिस्क थी जिसमें रेवोल्यूशन आता रहा और ये सब बढ़ते रहे। USB फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव, जो इस समय जो जमाना चल रहा है ना, जो दौर गुजर रहे हैं हम, जिस दौर से, उसको कहते हैं USB वाला दौर। तो ये वर्तमान में सबसे पॉपुलर और पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी है जो USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ी रहती है, जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं और इसका प्रयोग वीडियो, ऑडियो और कोई भी डाटा सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं मेमोरी हायरार्की के बारे में। तो जो मेमोरी होती है वो किस्त फास्टेस्ट टू लोवेस्ट स्पीड के बारे में बात करेंगे, सबसे स्पीड वाली मेमोरी कौन सी होती है। सबसे जो स्पीड वाली मेमोरी होती है उसको कहते हैं CPU रजिस्टर। ठीक, कैसे मेमोरी नंबर 2 पे आती है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी चाहे रैम हो चाहे रोम हो वो आती है, और उसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी, इसे हार्ड डिस्क या कोई भी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये पूछा जा चुका है कि अगर इसको आपको क्रम में रखना हो तो रजिस्टर को सबसे ऊपर रखिएगा, दूसरे नंबर पे कैसे मेमोरी। लेकिन अगर यही बात कैपेसिटी के बेस पे आ जाए तो कैपेसिटी जो है ये उल्टा जाएगा, कैपेसिटी में ये सबसे ऊपर आ जाएगा 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे। तो कैपेसिटी उल्टा है और स्पीड आप, मैंने बता दी, रजिस्टर नंबर 1 पर होती है, कैसे नंबर 2 पर होती है।